दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की सालाना बैठक में भारी हंगामा देखने को मिला। पदाधिकारियों के बीच लाद घूंसे भी चले। पदाधिकारियों ने यहां मंच पर एक दूसरे को धक्का दिया, गाली गलौज तक किया। इस बैठक का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही सभी क्रिकेट संघ की कार्यप्रणाली सहित बीसीसीआई पर भी सवाल उठने खड़े हो गए। वहीं डीडीसीए की बैठक में जमकर हाथापाई के मामले में गौतम गंभीर ने सौरव गांगुली से डीडीसीए भंग करने की मांग की है। पदाधिकारियों के बीच यहां सालाना जो बैठक होती है वो बैठक जारी थी, लेकिन अचानक से यहां लाद घूसों की बरसात हो गई। पदाधिकारियों के बीच गौतम गंभीर, जो कि पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं, उन्होंने इस मामले को गंभीर माना है और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली से डीडीसीए मैनेजमेंट फिलहाल भंग करने की मांग की है। दरअसल कई खेमे बटे होते हैं और उन खेमों में अक्सर पावर को लेकर, सत्ता को लेकर इस तरीके की तोड़फोड़ चलती है और उसका नतीजा फिर इस तरीके से सामने आता है। हालांकि डीडीसी के अध्यक्ष अरुण जेटली के रहते ऐसी चीजें कम ही सामने आई थी, लेकिन अब चूंकि कोई बड़ा नाम डीडीसीए के साथ नहीं जुड़ा हुआ है तो पदाधिकारी अपनी मनमानी करते हैं।